हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट से एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले भी एक वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी और अभी न्यू नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। सो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं एंड ऑल स्टेट से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं। तीन अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं, तीन वेरियस पोस्ट हैं। सो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो, वैसे तो तीनों के लिए ही ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, लेकिन एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहाँ मेंशन किया गया है। बाकी जो दो पोस्ट रहेंगे उनके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारा सब कुछ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए ओपन करते हैं और देख लेते हैं, सारी जानकारी लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। सो ये रहा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इस क्राइटेरिया है, वो आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2024। फॉर प्रिपरेशन फॉर 3 सेपरेट पैनल फॉर फिलिंग 31, 33, 43 वैकेंसीज। ये तीन पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। एक तो है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, जिसमें 31 पोस्ट हैं। सेकेंड है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसमें 33 वैकेंसी हैं। एंड थर्ड है पर्सनल असिस्टेंट, जिसमें 43 वैकेंसी है। पहली जो मास्टर शॉर्ट हैंड है, ये ग्रुप ए की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है। बाकी जो दो पोस्ट हैं ये ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट रहेंगी, ठीक है। सैलरी भी यहाँ पर लेवल 11 से, लेवल 8 से और लेवल 7 से तीनों पोस्ट के लिए यहाँ रखी गई है। सो बेसिक पे 67,700 से 47,600 भी है और 44,900 भी है, तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव, ठीक है, टेंटेटिव है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो फर्स्ट जो पोस्ट है इसमें मास्टर की, जो कोर्ट मास्टर की पोस्ट है, इसके लिए आ डिग्री इन लॉ ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने डिग्री ली हुई है लॉ में, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 120 पर वर्ड पर मिनट, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगी गई है और इसमें एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा गया है। सेकेंड है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन से, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद अ स्पीड ऑफ 110 वर्ड पर मिनट एंड कंप्यूटर की नॉलेज, और इसमें भी टाइपिंग मांगी गई है लेकिन इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। इसके बाद जो थर्ड पोस्ट है ये है पर्सनल असिस्टेंट की, इसमें भी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्पीड 100 पर मिनट मांगी गई है एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट ही मांगी गई है। सो ये यहाँ पर तीनों पोस्ट हैं। एज अगर बात करें तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है कोर्ट मास्टर, इसमें 32-45 ईयर एज होनी चाहिए। बाकी जो दोनों पोस्ट हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, ये 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। एंड यूजुअल जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका पहले हम कोर्ट मास्टर के लिए यहाँ पर देखेंगे तो कोर्ट मास्टर में तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप देख सकते हैं अगर एक्सपीरियंस होल्डर हैं और आवेदन कर रहे हैं तो आप कोर्ट मास्टर का सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिएगा। हम दोनों फ्रेशर पोस्ट के लिए देखेंगे। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर पर, पहले 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए कम से कम। मिस्टेक आपको 3% अलाउ रहेंगी, मैक्सिमम मार्क्स -10 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5, मैक्सिमम 10, -10 नहीं सॉरी 10 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5 रहेंगे।
इसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा इंग्लिश का, 110 की स्पीड से रहेगा, 7 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। यहाँ पर भी आपको दिया गया है 45 पर वन, ट्रांसक्रिप्शन विल बी, ठीक है। एंड मेथड ग्रेजुएशन ग्रेडेशन, तो यहाँ पर विथाउट मिस्टेक 100%, ये आपका मिस्टेक के बेस पर यहाँ पर दिया गया है। जब आप शॉर्ट हैंड कर लेंगे तो इसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपको 1 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे एंड 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% लाना जरूरी रहेगा आपको, 50 मार्क्स, एंड मिनिमम मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी 45%, जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर ये रहेगा। इसके बाद होगा इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू रहेगा 15 मार्क्स का। नेक्स्ट है जो लास्ट पोस्ट है, ये है पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें आपका टाइपिंग होगा, पहले आपका टाइपिंग होगा, 10 मिनट की टाइमिंग होगी, उसके बाद शॉर्ट हैंड होगा, 7 मिनट की टाइमिंग जैसे सीनियर का था सेम वही है, स्पीड इसमें थोड़ा कम रखी गई है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, सेम वही रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, वही सारे टॉपिक्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कंप्यूटर पर रहेगा, टाइमिंग भी सेम दी गई है, इंटरव्यू भी आपका इसमें रहेगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। सेंटर नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स 23, नंबर ऑफ स्टेट्स 16। 16 राज्यों में टेस्ट सेंटर आपको मिल जाएंगे। सो ऑल इंडिया में, मध्य प्रदेश में आपका भोपाल रहेगा, गुजरात में अहमदाबाद रहेगा, ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो आप यहाँ पर स्टेट्स देख सकते हैं और स्टेट्स में सिटीज़ कौन कौन सी हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर आपको ₹1,000 जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए पे करनी है, ₹250 SC ST एक्स सर्विसमैन और PH कैंडिडेट को फीस पे करनी होगी। या आप ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, फीस भी पे कर सकेंगे। क्लोजिंग डेट आपकी 25 दिसंबर 2024 है अप्लाई करने की। 4 दिसंबर से एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सुप्रीम कोर्ट में जॉब के लिए सैलरी काफ़ी अच्छी है। सिलेक्शन प्रोसीजर हमने देख ही लिया है, सैलरी एप्लीकेशन फ़ीस देख ली है। बाकी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो एक बार आप भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से एंड केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।